जरूर से ये पूरी वीडियो चेकआउट कीजिएगा, बहुत स्पेशल वीडियो है। ये दिन में चार बार खाना खाता है भाई। ये ग्राउंड में गाइस वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई थी। वाह यार ये क्या व्यू आ रहा है भाई साहब। चाय आल्सो, ओके सो यू देयर गाइस, ये चाय भी पीते हैं लोग। आपको दिख रही है बिल्डिंग दूर पर, वो है गर्ल्स हॉस्टल। जैसे 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 7.5। मेरे पीछे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल। तो जब हमने कॉलेज का ब्लॉग बनाया तो सबकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि आरा हॉस्टल का ब्लॉग बनाइए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल। यही हम ले चलते आपको टूर देते हैं। हमारे साथ है नोमान जी कैमरामैन, आइए दिखाते हैं। ये देखिए रोमान जी, जो मेरी इंटीग्रल वीडियो पे बहुत फेमस हो गए थे, कम लोग देखिए गाइस एंट्री की हमने, जैसे ही वो गेट सामने उससे हम लोग ने एंट्री करके अब आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे, रूम का टूर देंगे अंदर कि कैसे हैं रूम्स हॉस्टल के। आइए हमारे साथ, देखिए कितना शानदार, बहुत ही लश और ग्रीन कैंपस है। देख सकते हैं आप पेड़ लगे हुए हर तरफ। ये कैफेटेरिया इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का, रात में खुलता है बेहतरीन, बता रहे हैं असल में निकल चुका है गेट का, भाई का भी एग्जाम बाकी, ऑल द बेस्ट। ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया ये रात में ही खुलता है और रात भर बेहतरीन आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करिए नहीं मतलब, खाना कुछ नहीं कर सकते, बदनाम कर रहे हैं खाली। जी जी, यहाँ पर स्टाफ के लोग रहते हैं, पार्किंग भी हमारी इधर दी गई है। और ये हॉस्टल विंग है, यहाँ कितने चार हॉल हैं टोटल, जिसमें से हमारे नोमान भाई रहते हैं हॉल वन में। ये है हॉल वन, दिखाते हैं आपको, दिस इज हॉल वन, वो है हॉल टू, थ्री और फोर पीछे की तरफ है। ये देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है, आई लव हॉस्टल, और ये इंटीग्रल हॉस्टल लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे हैं तो। चलिए बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत गलत चीज है कि आप इसका चैनल इसको नहीं जानते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा चैनल चले आपको ही जाने लोग, कोई बात नहीं है, बस कोई जानने वाली चाहिए। मैं भी बोलने वाला था कि लोग में लड़के ना जाने, इनको लड़कियां जाने, ताकि कोई नेक और शरीफ लड़की मिल जाए इनको। अब गाइस यहां आप पार्क नहीं कर सकते, सबसे पहली बात कि यहां नो पार्किंग है, तो गलती से भी। हाँ हाँ भाई, एक बार क्या हुआ ना, हम आए यहाँ पे, मैंने गाड़ी पार्क कर दी भाई, वो अंदर से जो वार्डन है उन्हें पंचर ही हवा ही निकाल दी पूरी गाड़ी, कहेंगे ले जाओ ऐसे ही, तो इसलिए गलती से भी यहाँ पार्किंग मत कीजिए, नो पार्किंग है बिल्कुल मत कीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे दिखाते हैं यहाँ वीडियो। अच्छा हाँ गाइस, जो मस्जिद है वो हॉल टू में, अभी हम वहाँ भी आपको ले जाएंगे, पहले चलिए रूम देखते हैं क्या कैसे हैं। एंट्री करते हैं हॉल वन में, चलिए नोमान। ये देखिए ये है हॉल वन, देख सकते हैं आप एंट्री करते ही, ये ग्राउंड फ्लोर। हाँ ऊपर का नज़ारा देखिए आप, टन टन, वो देखा आपने, बहुत ही शानदार बना हुआ है, चार फ्लोर्स हैं ऊपर, और वो गुंबद जो बाहर से ब्लू दिखता है ये वो उसका अंदर का पोर्शन है। नुमान चलिए अब आपके रूम चलते हैं, रास्ते में जो जो पड़ेगा हम दिखाएंगे। वो देखिए उधर वॉशरूम एक दे रखा है, एक उस तरफ वॉशरूम दे रखा है। ये देखिए ये मेस है, ये फिरंगियों की मेस है गाइज, ये देखिए हम इसको तो रुको बताएंगे भाई। ये गाइस ये देखिए फिरंगी यहाँ रहते हैं, पता है एंट्री भी नहीं देते हम लोगों को, ये बहुत गलत बात है। यहाँ भी खाना ट्राई करना चाहिए इंडियन लोगों के लिए, लेकिन नहीं, वो चले तो गए देश कब्जा करके, लेकिन अभी भी उनका कब्जा है छुपे रूप से उधर है। ये देखिए कम्बक जा रहे हैं, इनका यहाँ कब्जा है, यहाँ इनकी में से कभी इनका खाना हम लोग नहीं ट्राई कर सकते, बहुत गलत बात है। ये देखिए यहाँ पे हाथ धोने का सेक्शन, हाथ धोइए मुँह धोइए, मैं भी धो लेता हूँ। ये देखिए पानी नहीं आ रहा, देखा आपने, यहाँ पानी मिलेगा आपको। योर हॉस्टल का माहौल, कपड़े ढले हुए, कपड़े टंगे, गद्दा टंगा, दरी, सब कुछ टंगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बीच में ग्राउंड भी है कि आप कुछ खेल खा सके। हाँ खेलने के लिए यहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं जी, शानदार, बहुत ही शानदार, काफी सुंदर माहौल। वो देखिए नीला गुंबद, वो देखिए वही नीला गुंबद जो बड़ा वाला है, वो हमने अभी अंदर आपको दिखाया, और वो छोटा नीला गुंबद, यही पहचान है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल की, नीला गुंबद। हम लोग उस गली में चलते हुए जिधर नोमान भाई का निवास है, यहाँ वॉशरूम हर तरफ है, तो हर कोने में आपको वॉशरूम मिलेंगे, तो उतने के लिए कोई भी चिंता नहीं। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं 111 नंबर रूम में, जिसमें नोमान भाई रहते हैं हमारे, तीन लोग मतलब वन वन वन, हाँ वन वन, ओके तीन लोग हैं सबका एक एक नंबर, एक एक एक, क्या रूम नंबर मिला है नोमान को, मुझे लगा था 114 होगा, पर खैर कोई बात नहीं। आते हैं वो कैसा है भाई साहब, ये है गाइस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल का रूम, देख सकते हैं आप, प्योर फील आ रही है, देखिए यहाँ कंबल पड़े हुए हैं, कपड़े टंगे हुए, उधर गिरा हुआ है सब, ये तौलिया पड़ा हुआ है भाई, ये पढ़ाकू बच्चों की किताबें रखी हुई है, ये हमारे नोमान भाई का लैपटॉप है, पर्स वर्स है, कुछ माल पानी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अरे बहुत गरीब आदमी है, अच्छा चाहिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो देखा आपने ये रूम मिलेंगे आपको, जिसमें क्या क्या है हमारे पास,
ये देखिए यहाँ में, अच्छा हर बेड के लिए एक टेबल चेयर और एक अलमीरी चेयर भी है। हाँ चेयर, हर बेड के लिए एक टेबल एक चेयर है एक आदमी के लिए। यहाँ डोर पे कपड़े कपड़े टांगे और सबसे अच्छी बात बालकनी भी दे रखी है रूम। तो आप आइए बाहर से देखा दाखी कीजिए। वाह यार ये क्या व्यू आ रहा है भाई साहब, देखा आपने क्या जबरदस्त व्यू है गाइस। पूरी 5 स्टार होटल की तो नहीं फील ज्यादा हो जाएगा, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत है। देखिए आप कितना खूबसूरत बना है भाई। यहाँ तो आदमी बैठ के पढ़ सकता है, शाम की चाय आप पी सकते हैं बालकनी में बैठ के। देखिए बहुत एरिया भी बहुत सारा है, काफी एरिया कवर कर लेता है। आप आराम से बैठिए, कुर्सी वर्सी डाल के 3 लोग भी बैठ जाएंगे और चाय वाय पीजिए। वो देखिए पार्किंग देख सकते हैं आप, ये पार्किंग है गाड़ी की। वो देखिए गाड़ी पार्क है वहाँ पे सारी बाइक्स। गाइज इस पार्किंग में गाड़ी खड़ी कीजिए, ना कि नो पार्किंग में, ताकि पंचर ना हो, हवा ना निकाली जाए आपके टायर की। गाइज आप देख सकते हैं जस्ट सामने, अरे भाई 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 आपको दिख रही है बिल्डिंग दूर पर, वो है गर्ल्स हॉस्टल। भाई यार एक ख्वाब है बचपन से यार गर्ल्स हॉस्टल का तो जाना ही चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो कभी आपका भाई बड़ा ब्लॉगर बना तो गर्ल्स हॉस्टल का भी टूर देंगे हम आपको इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमारी सिर्फ हसरत है मेरी, आप इसका ईमान देख सकते हैं कैसे इंशाल्लाह कह रहे हैं। नहीं नहीं तो इसमें क्या गर्ल्स हॉस्टल का टूर देने जा रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा, तो समझिए बात, मेरी भावनाओं को समझिए आप। तो वहाँ भी जाना, आप उन्हीं भावनाओं को समझ रहे हो। तो ये हमारे पास टेबल है, ये बेड है और ये अलमीरा दे रखी है हर आदमी के लिए सेपरेट अलमीरा। और कितनी बड़ी है भाई देख सकते हो, एक आदमी के लिए इतनी बड़ी स्पेशियस अलमीरा दे रखी है। बहुत अच्छा कपड़ा वपड़ा लाइट वाइट लगी हुई है, थोड़ा ज्यादा वाला है पर कोई बात नहीं। तो काफी स्पेस है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। उधर देखिए एक इन्होंने नमाज कॉर्नर बना दिया है नुमान में, देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके अंदर चप्पल उप्पल नहीं ले जाइए आप, ये पूरा कॉर्नर है, यहाँ नमाज पढ़िए आप आराम से, बहुत शानदार। सब लाइट वाइट ऑन कर लीजिए, वाह काफी अच्छा नजारा है यहाँ पे। वाह तो आप यहाँ रूम पे आते हैं क्या क्या, फिर आपकी क्या दिनचर्या रहती है बताइए हमारे दर्शकों को, बता दीजिए थोड़ा बहुत। देखते बैठे उठे चले गए। हॉस्टेलर की जिंदगी कुछ इसी तरह की, सिंगल की जिंदगी। जी हाँ ये देखिए बेचारा कंबल में, अरे अरे भाई यार क्या जिंदगी होती, शिट ये सब मिस हो गया। खैर हम लोगों से अब बिल्कुल गाइज, पर खैर आप क्या रिकमेंड करते हैं बॉयज हॉस्टल लड़कों को? अच्छा है, काफी अच्छा है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा यहाँ रहा क्योंकि आपका यहाँ पे जैसे कि टॉयलेट बाथरूम जो है उसके क्लीनर्स आते हैं। अच्छा डेली डेली आते हैं, वाह ये तो अच्छी बात है। यहाँ धोबी आता है कपड़े लेके जाता है, प्रॉपर हिसाब का रेट उसका है, उतने में पैसे में लेके जाएगा तो कपड़े धो के बैठेंगे प्रेस करके लाएगा। ओके अच्छा, आपको मतलब ज्यादा परेशान नहीं करना, आपसे पढ़ाई करिए मस्ती करिए और कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे बढ़िया बात जो है गाइस वो खाने पीने की है, वो ये हमें बताएंगे। ये दिन में 4 बार खाना खाता है भाई, 4 बार हॉस्टल में दिन में खाना मिलता है। और देखिए लग नहीं रहा फिर भी, अल्लाह बेहतर जाने खाना कहाँ जाता है इनका। तो खैर बताइए क्या क्या मेन्यू क्या रहता है सुबह, जैसे आपको मेन्यू में आपके सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आपके रहता है कभी पूरी सब्जी हो गई, पाव भाजी हो गई, आलू पराठा हो गया, अपन मक्खन हो गया। वाह दोपहर खाने क्या टाइमिंग रहती है सुबह के? सुबह की टाइमिंग रहती है नाश्ते की 7:30 से 9:30, 7:30 से 9:30। उसके बाद अगर लेट हुआ तो नहीं मिलता है, उसके मिल जाता है अप टू सिर्फ 10। अच्छा 10 तक मैक्स 10 है। चाय रोज मिलती है? चाय रोज। अच्छा कोई सिर्फ दूध पीना चाहे तो? नहीं दूध के लिए सुविधा नहीं, दूध के यहाँ सुविधा नहीं है, वो कहीं और जाना पड़ेगा। लंच में रोज नॉर्मली तो वैसे की जैसे कि किसी दिन कड़ी हो गई, किसी दिन राजमा हो गया और बाकी दिन मैक्सिमम डेज में मिक्स वेज रहती है। अच्छा कोई ना कोई सब्जी सब्जी रहेगी जी। अच्छा फिर साथ में हमेशा कोई ना कोई चीज होती है खाने के लिए, जैसे कहीं सब्जी है तो रोज कोई ना कोई उसके साथ कोई दाल होती है। ओके रोटी चावल और बाकी सैलेड आपका। ओ वाह ओके। अच्छा फिर ये सबसे इंटरेस्टिंग फेवरेट पार्ट जो है शाम का स्नैक्स भाई, बस वो तो बेस्ट है। क्या क्या मिलता है? और क्या चाहिए? अरे भाई क्या जिंदगी है ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल की, एक हॉस्टेलर की लाइफ। अच्छा और डिनर? फिर डिनर भी बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह रहता है आपका। शाम में 2 दिन आपका नॉनवेज रहता है, वेडनेसडे को आपकी कोरमा रहता है और संडे को आपका रहता है बिरयानी रहती है। और फिर गाइज इनको बिरयानी के साथ रसगुल्ला भी मिलता है, वो बहुत मजे का होता है। और आपको एक चीज और खास बात है, यहाँ शाही पनीर बनता है सैटरडे को, अब सारी चीज जो कि वो ट्यूजडे या मंडे को मिल रहा है। अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट का होता है शाही पनीर, वो उस लेवल का होता है जिस दिन जैसे सैटरडे में चिकन मिले वैसे उसके लिए रेसिपी। अरे भाई भाई भाई, भाई वाह खाने की क्वालिटी अच्छी है, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आसपास जितनी में से सबसे अच्छी है। वाह ओके। ये देखिए ये आ गए हमारे साथ अशरफ भाई और ये आकिब भाई, ये रूम पार्टनर नुमान के। अशरफ भाई देखिए इधर दिखाइए जरा, शक्ल दिखाइए, बहुत शर्मीले हैं। आकिब भाई व्लॉग बन रहा है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल का, आपका क्या रिव्यू है बताइए जरा?
कि मतलब आना चाहिए बच्चों को यहाँ हॉस्टल में या बाहर, ये बेटर है? मेस का क्या रहता है यहाँ, अच्छा है खाना पीना सब? खाना मतलब एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी, हाँ, वरना ऑल ओके। जैसे 10 में से आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 7.5। वाह चलिए बहुत सही है। ये थे हमारे आकिब भाई, वो देखिए बंदा देखिए फिर छुप गया। अरे मुंह दिखा दीजिए, हम आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं दिखाएंगे। बहुत ही ज्यादा शर्मीले देख रहे हैं आप इनको, अब ये तो रहेगी वीडियो में। अब शुरू होता है गाइस मेन काम, जो हमें आपको दिखाना है वो है वॉशरूम। यहाँ आना बहुत जरूरी है, कोई बात नहीं। ये देखिए इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल का वॉशरूम काफी साफ है, थोड़ा आज पानी की वजह से गंदा हो गया, जुमा था इस वजह से, पर मैं काफी साफ रहता है। यहाँ सिंक वॉश बेसिन दे रखे हैं, यहाँ आइए हाथ मुंह धोइए। वॉशरूम भी सब क्लीन रहते हैं, हफ्ते रोज दिन में एक बार क्लीन होता है, तो नहाने की भी सुविधा। सब बाथरूम भी दिखा दें आपको, बाथरूम देखिए आप, ये देखिए कितने साफ सुथरे बाथरूम्स हैं यहाँ पे। आइए नहाइए धोइए, और गीजर लगा हुआ है, गर्म पानी आपको मिलेगा यहाँ हर वक्त। सो गाइस वी हैव मोहम्मद अमीनुल विद अस, ही इज फ्रॉम नाइजीरिया। हेलो आई एम मसी, नाइस टू मीट यू टू। सो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दिस बॉयज हॉस्टल? माय एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल, द व्यू इज गुड, यस अ लॉट ऑफ शेल्टर्स, या एंड स्पेशली योर मेस, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो व्हाट्स लाइक, यू हैव योर ओन कंट्रीज फूड ओवर हियर? इंडियन फूड, यस यस, अच्छा इंडियन फूड इज आल्सो देयर, ओके, यू लाइक इंडियन फूड? यस आई लाइक इंडियन फूड, ओके। So what's the menu in the, like in, what do you do in the breakfast? In the breakfast we are taking two omelets and bread and oats, okay. And with chai. Oh, with chai also, okay, so you there guys, ye chai bhi peete hain log, okay. Yes, and in the afternoon we are taking the rice with stew, okay, stew sometimes, right, with stew, okay, sometimes biryani also, yeah, okay, yes, wow, so they are enjoying Indian dishes as well, yes. Yeah. So what do you like the most, your country dishes or Indian dishes? Yes, so, on be honest, you must buy this your country dishes, okay, Indian, yeah. Also they are good. They are more in the masalas, in masala, yeah, yeah. It's really delicious, yeah. Masala, yeah. Like it's too, so do you recommend person take integral boys hostel or outside, okay. What is better? I think this boy knows, more facilities are there, facilities are there, and it's prepared, you don't have to worry about anything, yes, security and everything, yeah. So overall experience was good, okay, yeah, so guys he was just having lunch and I disturbed him, so sorry, but okay, thanks to you, thank you, nice to meet you, so guys ye dekhiye humne firangi ka review liya, chaliye ye log बात करने से बहुत कायदे महीने के लगते हैं, वो तो हम इंडियन ने बदनाम कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी अपनी वैसे खाने में ये ज़्यादातर वही सब खाते हैं जो हम लोग खाते हैं, बस जैसे कभी इन लोग के में थोड़ा रहता है कि सैंडविच हो गया, स्टू हो गया, ये सब, वरना बाकी नॉर्मल हम ही लोग की तरह खाना होता है, कॉफ़ी चाय भी पीते हैं, चाय भी इन्जॉय करते हैं वो। तो नुमान जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो क्या आप ट्राई करना चाहेंगे इनका खाना? क्यों नहीं, लेकिन वही बात की मिलेगा नहीं, वो नहीं ट्राई करना, ये हटा देंगे, इस पे से जेल हो जाएगी, तो इस पे आप क्या कहेंगे? और इनकी भी लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर सुशील होती हैं, काफी मतलब सीधी होती हैं, तो आप उनसे भी दोस्ती करें। अरे वाह 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 गाइस, हम इस हॉल की मेन बालकनी आपको दिखाते हैं, क्या व्यू आता है यहाँ से आप देख सकते हो, आइए दिखाएं हम आपको। भाई साहब देखा ये ग्राउंड, भाई कितना अच्छा लग रहा है ऊपर से, ये ग्राउंड में गाइस वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई थी, हमने आपको दिखाया था शॉर्ट में अपने, बहुत खूबसूरत नज़ारा था उस वक्त, शाम में कोई प्रोग्राम होता तो यही होता है, बहुत बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से ये। तो यहाँ पे गाइस ऐसा नहीं है कि आप डबल रूम ही लोगे या तीन लोग रहोगे, दो लोग रहोगे, आप सिंगल रहना चाहो तो एक सिंगल रूम भी मिल जाते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो भी ऑप्शन है, प्लस एसी रूम्स भी हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम हो, आप अगर रहना चाहें तो एसी रूम्स भी यहाँ मिलेंगे, सिंगल एसी रूम्स, डबल एसी रूम दोनों मिलेंगे आपको। तो हम पीछे वाले हॉल से निकल के अब जा रहे हैं हॉल टू, जहाँ मस्जिद है, हम आपको मस्जिद का टूर देते हैं कि मस्जिद कैसी है यहाँ की, चलिए देखिए रास्ता भी कितना खूबसूरत है, चलने में भी मजा आएगा, बस आप लोग नहीं है यहाँ पे साथ में चलने के लिए, पर कोई बात नहीं, अकेले अभी चलना है जब तक शादी नहीं हो रही। अब हम आपको वहाँ मस्जिद का टूर देते हैं, देखिए उस हॉल में मस्जिद है, हॉल वन में मस्जिद नहीं है, हॉल टू की तरफ बढ़ते हुए जहाँ मस्जिद है, जुमे की नमाज और बाकी पांच टाइम की सारी प्रेयर्स यहीं पे होती हैं। और गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, क्या आप क्या बताना चाहते हैं इस वीडियो में, खासकर इसलिए मैं ज्यादा नहीं दिखना चाह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार कुछ ज्यादा वायरल हो चुका हूँ, तो अच्छी बात है, इनका चैनल लग रहा है, मैं बहुत सपोर्ट किया हम लोगों के चैनल को, इंटीग्रल वाली वीडियो बहुत देखी गई, नुमान एक फेस बन गया उस इंटीग्रल वाली वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ इसमें भी ये फेस बन जाए, पर ये पता नहीं कि मुझे आज चाह रहे हैं कि मैं फेमस हो जाऊँ, कोई बात नहीं, क्या भाई किसी एक का तो हो, उस टाइप से मेरा अब तक कुछ नहीं हुआ। हाँ ये गलत बात है, देखिए इतना फेमस हुआ लेकिन कोई लड़की का मैसेज भी नहीं आया, कोई किसी ने बात नहीं करना चाहिए, तो जल्द से जल्द निकाह के लिए पैगाम भेजे नुमान को और शादी करें।
हॉल टू में एंट्री की हमने, अब हम मस्जिद की ओर बढ़ते हुए। देखिए बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वही बना हुआ, आप कहीं नहीं सकते कि हॉल वन हॉल टू में क्या डिफरेंस। नहीं इल्ज़ाम नहीं, हम इनसे ये कह रहे हैं कि गाइस अब ये भी तो वीडियो में देखें, मान लीजिए जब 10 साल बाद हम उससे बच्चे बोलेंगे कि चाचू चाचू पापा कहाँ है, तो वो भी तो दिखने चाहिए इसमें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, बातें कर रहे हैं क्योंकि लड़की नहीं। हाँ तो मिले भैया कोई मैसेज कर दो यार, कितनी कन्या देखती हैं भाई। पता है हम लोग की वीडियो में एंगेजमेंट बॉयज से ज्यादा गर्ल्स की है। हाँ हाँ, तब इतनी लड़कियां देख रही उसके बाद भी नहीं कर रही तो गलत बात है। तो ये है मस्जिद, ये पूरी मस्जिद है अंदर तक। यहाँ आप चलेंगे, यहाँ सब जूते चप्पल रख देते हैं और उसके बाद अंदर। चलिए अभी हम अंदर का टूर देते हैं। तो ये देखिए गाइस, ये मस्जिद है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल में, काफी खूबसूरत बनी हुई है, देख सकते हो स्पेशियस बहुत है, आराम से नमाज। कम से कम कितने लोग आ जाते होंगे इसमें, पूरा हॉस्टल पड़ता है प्लस बाहर के भी लोग आ जाते हैं। एक पीछे सेक्शन भी है कि जब कभी जगह कम पड़ती तो पीछे वाला ओपन कर दिया जाता है, वो भी इससे आधा तो उतना वो भी है। माइक लगा हुआ, यहाँ खुतबा देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। यहाँ देख सकते हो किताबें भी हैं, आप किताबें रेफरेंस के तौर पर ले सकते हो, किताबें हदीस की किताबें हैं सब ज्यादातर। ये देखिए औकात नमाज, तफसीर फारूकी, सब देख सकते हैं आप। बहुत बहुत अच्छा, हिंदी में भी ऐसा नहीं है, जो हिंदी में पढ़ना चाहे उनके लिए फजाइल आमाल, फजाइल आमाल इन उर्दू। ये सब हंसी मजाक तो हम लोग करते रहते हैं लेकिन जी बहुत जरूरी है, आपको हक पे रहना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, ये सब सीखना है हमें। स्टोरेज के लिए दे रखा है, इसमें टोपी रख सकते हो नमाज पढ़ने के बाद। तो गाइस इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल का टूर दिया हमने आपको, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत काफी एक्सप्लोर किया, जो जो था सब दिखाया हमने, रूम्स दिखाए, मेस कैसी है दिखाई, इंटरनेशनल स्टूडेंट से मिलाया आपको, बहुत बहुत अच्छा रिव्यू रहा है आपको, उम्मीद है वीडियो पसंद करेंगे आप लोग। जरूर से ये पूरी वीडियो चेकआउट कीजिएगा, बहुत स्पेशल वीडियो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बॉयज हॉस्टल। सारी बातें ठीक है गाइज, लेकिन मेरी आखिरी बात याद रहे हमेशा, सारी बातें करते रहेंगे हम आपको, बहुत नई नई चीजें दिखाएंगे, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो याद रहे वीडियो एंड करने से पहले, कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ लो बेटा अभी मौका है।